अरे हीरो ब्राइन, तेरी मम्मी कहाँ पे है? अरे कहाँ गया हीरो ब्राइन? अरे तेरी मम्मी कहाँ पे है भाई? आज सिमरन का बर्थडे और आज वो दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। अरे पापा, मैं भी मम्मी को ढूंढ रहा हूँ सुबह से। मम्मी को विश करना है ना, हैप्पी बर्थडे विश करना है। कहाँ है मम्मी? अरे भाई, तेरे से वही पूछ रहा हूँ कि कहाँ है तेरी मम्मी। अरे पापा, घर के पीछे जाके देखो, शायद वहाँ पे होगी। देखो देखो, कुछ गार्डनिंग कर रही होगी। हाँ, अभी जाके देखता हूँ मैं। अरे गाइस, अब मैं क्या बताऊँ कि मेरी वजह से ही मम्मी नहीं मिल रही है। मैं ना कल रात को मैं अपने पुराने घर पे गया था और ऐसा कुछ हुआ था। तो गाइस, मैं अपने पुराने घर पे गया और वहाँ जाके मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ सोचा कि कुछ टिकड़म वगैरह करते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड है, एक नहीं दो थे। तो मैंने सोचा कि कोई नया पोशन बनाते हैं, और मैंने एक पोशन बना लिया जो कुछ इस प्रकार का था। और मैंने सोचा अभी इसको खुद पे तो ट्राई नहीं कर सकते, किसी को बकरा बनाना पड़ेगा। तो मैं बाहर गया, विलेज में बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। तो गाइस, मेरे घर के बगल वाले विलेज में मैंने सोचा कोई आयरन गोलम होगा और उसपे ही ये आजमाते हैं। तो गाइस, मुझे एक आयरन गोलम मिल गया और उसपे मैंने ये पोशन डाल दिया, और कुछ ही देर में एक म्यूटेंट आयरन गोलम स्पॉन हो गया गाइस, और ये तबाही मचाने वाला था। तभी इस विलेज में जॉम्बीज ने हमला करने का सोचा, और फिर ये आयरन गोलम ने सबको उठा उठा के मारा है। इतना मारा है कि ये लोग अपने जिंदगी भर यहाँ पे आने का नहीं सोचेंगे। हीरो ब्राइन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये लोग मेरे परिवार वाले को मार दिया। इतना जलील तरीके से किसी ने हमको नहीं मारा है। अरे और मारो इनको, यहाँ पे मैं रास्ता बना रहा हूँ। अरे म्यूटेंट भैया, और मारो। हीरो ब्राइन, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब मैं तुम्हारी मम्मी को किडनैप कर जाऊंगा, और उसे हम तभी छोड़ेंगे जब तुम इस म्यूटेंट आयरन गोलम को मारोगे। उससे पहले हम ये विलेजर को खत्म करते हैं। अरे गाइस, ये तो पंगा हो गया। मैंने म्यूटेंट आयरन गोलम बना के पंगा कर दिया। अभी मुझे उसको मारना पड़ेगा। कहाँ गया? मैं मारता हूँ उसको। अरे गाइस, ये तो बहुत तेज भागता है। अरे बचाओ, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे भागो भागो यार, मैंने ये क्या मुसीबत ले ली है। मेरी वजह से मम्मी फंस गई। अरे जल्दी सामने घर है, घर जाके सो जाता हूँ। कल का कल देखा जाएगा। ये ले। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे क्यों यहाँ पर बंद करके रखा है? मैं मार दूंगी सबको। ऐसे नहीं मार पाओगी, और गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे हीरो ब्राइन की है। उसने हमारी मुसीबत बढ़ा दी है। आयरन गोलम्स कम थे कि वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा म्यूटेंट आयरन गोलम लेके आ गया है। अब वो जब तक उसको मार नहीं देता, तब तक हम तुम्हें बंद करके रखेंगे। अरे ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अरे हीरो ब्राइन, तेरी मम्मी वहाँ पे भी नहीं है, तू बता कहाँ गई है? अरे पापा, मेरे को नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आप जाओ। अरे भाई यार, अब क्या करूँ इसका। अरे गाइस, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं फुल हथियार लेके आ चुका हूँ, लेकिन अब करूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये जॉम्बीज ने मेरी मम्मी को किडनैप कर लिया है, और ये काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। तो गाइस, एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी बुजुर्ग आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो इसके बारे में जानता हो, कोई म्यूटेंट आयरन गोलम के बारे में जानता हो। तो चलो गाइस, यहाँ पे हम अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आज रात तक मुझे मम्मी को छुड़ाना है, नहीं तो ये जॉम्बीज पता नहीं मम्मी को कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन गाइस, ऐसा कोई मिलेगा? अरे ये क्या उछल रहा है आसमान में? भाई ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे बरखुदा, तू कौन है? मेरे को क्यों पूछ रहा है? अरे आपकी आवाज तो गजोदर भैया जैसी लग रही है। अरे हाँ, मैं गजोदर भैया के ताऊ के फूफा के मौसी के मामा के लड़के के भतीजे के बेटे का बेटा हूँ। अरे 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 अरे, इतना लंबा फैमिली ट्री मेरे को याद नहीं रहेगा। वापस से बोल। अरे वापस से क्या बोलूंगा, चल भाग यहाँ से। ये ले, ये गुलाब रख और भाग यहाँ से। मेरे को अपना काम करने दे, मुझे बहुत सारी बेले ले जानी है घर पे। अरे अरे सुनो, आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे भाई, मेरी हेल्प क्या लोगे भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं करता। अरे अरे अरे, आप तो काफी फुर्तीले हो, इतने बुढ़ापे में भी जवानी का जोश है। अरे भाई, तेरी वजह से मेरा ट्राइडेंट गुम हो गया, अभी उसको ढूंढने में मदद कर। अरे अरे अरे, मैं आपको एक नया ट्राइडेंट बना के दूंगा।
आप पहले मेरी हेल्प करो। अरे हाँ बता क्या हो गया, तेरे को क्या दिक्कत आ गई है? अरे मेरे से गलती से है ना ये बन गया था ये खतरनाक पोषण, और मैंने आयरन गोलम पे डाल दिया तो वो एक म्यूटेंट आयरन गोलम बन गया है। अब उसको मैं कैसे मारूं? हाँ बरखुदार, वो आयरन गोलम बना है तो उसे आयरन से मारना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको आयरन की स्वॉर्ड से मारा, लेकिन उसने तो मेरे पे पीछे हमला कर दिया। एक मिनट, मेरे को एक भोंपू बजाने दो। अरे अरे भोंपू क्यों बजाते हो? क्योंकि मेरे पिछवाड़े में से जब भोंपू निकलता है तब मैं उसकी आवाज कवर करने के लिए यह भोंपू बजाता हूँ। अरे ची 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 ची, बदबू भी आ रही है। गाइस ये आसानी से मानने वाले नहीं है, ये देखो भाग गए। अरे बरखुदार, बरखुदार किधर गए? अरे गजोदर भैया के फूफा 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 मौसी मौसी क्या था कुछ? अरे वाह, ये देखो मिल गया, ये काम भी कर रहा है। चलो ठीक है मिल गया ना, अब जल्दी से मेरे को कोई हेल्प करो। देखो बरखुदार, अगर तुम्हें उसको मारना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक खतरनाक आयरन की स्वॉर्ड बनानी होगी। उसको बनाने के लिए तुम्हें एक आयरन की स्वॉर्ड और दो आयरन के ब्लॉक चाहिए होंगे। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। और बाकी तुम मुझे पैसे वैसे डायमंड वायमंड देना चाहते हैं तो दे सकता है। हाँ दे दूंगा। चलो अभी मैं निकलता हूँ। साला कंजूस कहीं का, काम होते ही निकल लिया। अरे गाइस, अरे ये तो मेरे को मार रहा है। गाइस मुझे यहाँ पे इसका इलाज मिल गया है। यहाँ पे हमें एक खतरनाक आयरन की स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी, लेकिन अरे यार क्या है आपको, मैं दे दूंगा ना, मेरे पापा के पास बहुत बहुत डायमंड है, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है, चल मैं चलता हूँ। ठीक है बोलना मत, ये ले तेरे को आयरन की स्वॉर्ड बनानी नहीं पड़ेगी, ये ले जा, बस वो तुझे खतरनाक स्वॉर्ड बनानी है। अरे गजेंद्र भैया के रिश्तेदार, आपका पता तो देके जाओ, मैं आपको डायमंड कैसे पहुंचाऊंगा? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दे मेरा पाद सुंगले, ऐसी पाद जहाँ भी दिखाई दे बस वही मेरा ठिकाना होगा। चल बाय। अरे ये कहाँ चले गए? गुफा में। तो चलो गाइस अब काम पे लग जाते हैं, मेरे पास ये आयरन की स्वॉर्ड तो है, अभी मुझे दो ब्लॉक चाहिए आयरन के। तो चलो गाइस जल्दी से उसे ढूंढते हैं। तो चलो गाइस हमें यहाँ पे आयरन के इंगट ढूंढने जाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें आयरन तो चाहिए होगा। तो चलो गाइस आयरन ढूंढते हैं किसी केव के अंदर और फिर बनाते हैं आयरन के ब्लॉक। गाइस यहाँ पे मुझे आयरन नहीं दिख रहा, कहीं दूर जाना पड़ेगा। गाइस कम से कम मुझे 18 आयरन चाहिए। तो चलो गाइस यहाँ से कोबलस्टोन ले लेते हैं और फर्नेस बना लेते हैं। तो चलो जल्दी से इसको तोड़ते हैं। ओके ये कितने चाहिए होंगे हमें फर्नेस बनाने के लिए? 8 चाहिए होगी। तो चलो जल्दी से। अरे गाइस अभी मुझे याद आया, मेरे पास तो क्राफ्टिंग टेबल है ही नहीं, उसे बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे वुड को चॉप कर लेते हैं। अरे इसके मदद से क्यों कर रहा हूँ, इसी से मैं जल्दी से कर पाऊंगा। तो चलो अभी जल्दी से मैं यहाँ पे ये प्लैंक्स बना लेता हूँ, फिर बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल। तो देखो गाइस ये क्राफ्टिंग टेबल रेडी हो चुका है, अभी जल्दी से इसको यहाँ पे रख के हमें एक फर्नेस बना लेना है। तो ये देखो एक फर्नेस बन गया। गाइस एक काम करता हूँ, दो फर्नेस बना लेता हूँ ताकि मेरा काम एकदम जल्दी से हो जाए। तो चलो मुझे और कोबलस्टोन चाहिए और यहाँ पे कोल्स भी है। गाइस बहुत बढ़िया, मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो चलो ये हो गया, अब इन कोल को भी तोड़ लेता हूँ, इसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलो इतना काफी है, अभी मैं दूसरा बना देता हूँ एक फर्नेस यहाँ पे। तो चलो एक और बना लेता हूँ, टोटल 3 फर्नेस हो गए मेरे पास। तो चलो इन तीनों को यहाँ पे रख देता हूँ, बहुत बढ़िया। अब गाइस मुझे सिर्फ आयरन के और ढूंढ के लाना है। तो चलो इनको वापस कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे और हमें आयरन कहीं दूर मिल गया तो पंगा हो जाएगा। तो चलो इसको भी ले लेता हूँ। गाइस ये देखो यहाँ पे मैं घूमते फिरते यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास एक बकेट भी है। गाइस मुझे पानी लाना चाहिए था, जल्दी से पानी ले लेता हूँ। और यहाँ पे इतनी बड़ी केव है तो यहाँ पे मुझे शायद आयरन मिल सकता है, फिलहाल दिख तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे पानी ले लेता हूँ। पानी कहाँ पे था? ओ भाई यहाँ पे रास्ता भी है जाने का, तो यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ से पानी ले लेता हूँ। और गाइस चलते उस केव के अंदर। चलो गाइस वहाँ पे जाके करते हैं हम वाटर बकेट चैलेंज। लेकिन गाइस वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ आयरन दिखे है, एक तो आयरन तो है ही है। तो चलो इसको मैं माइन कर लेता हूँ गाइस। ओके यहाँ पे मुझे आयरन के ओर मिल चुके हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं कि आयरन की ओर, मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है 3 मिल गए हैं। अभी मुझे बाकी के कितने जो मैं ढूंढ लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इसको रो आयरन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो मुझे 20 मिल चुके हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे है। तो चलो इसको भी माइन कर लेते हैं, शायद काम आ जाए। ओके तो चलो इनको भी मैंने माइन कर लिया है, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस इस आयरन को पिघला के बनाते हैं आयरन इंगट।
और जल्दी से इसको यहाँ पे डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलो ये डाल दिया। यहाँ पे थोड़ा कोल भी डाल देंगे, यहाँ पे भी ये आयरन डाल दिया और ये सारे कोल यहाँ पे डाल देते हैं, कमी पड़ेगी तो और डाल देंगे। तो चलो गाइस इसे होने देते हैं और हमारा जो क्राफ्टिंग टेबल है उसको यहाँ पे रेडी रखते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस देखो मैंने टोटल 22 आयरन इंगोट बना लिए हैं, अब बनाते हैं आयरन के ब्लॉक। तो चलो जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक ऑफ आयरन 1 और 2 बन जाएंगे और हमें 2 ही चाहिए। और यहाँ पे हम वो वाली स्वॉर्ड बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक आयरन की स्वॉर्ड रखनी है और यहाँ पे 2 ब्लॉक यहाँ से ओ हो गई। देखो गाइस इसका डैमेज भी कितना खतरनाक है। तो देखो गाइस ये कितनी लंबी स्वॉर्ड है, ये मेरे से भी लंबी है गाइस। अब तो वो म्यूटेंट आयरन गोलम बचेगा नहीं, हालांकि वो मेरी गलती थी लेकिन अब मैं ही इसे सुधारूंगा। तो चलो गाइस अपना सारा सामान ले लेते हैं, शायद वापस से काम आ जाए। तो चलो इन सबको उठा लेते हैं जल्दी से और हम चलते हैं उस वाले विलेज पे जहाँ पे वो म्यूटेंट आयरन गोलम है। और हाँ गाइस थोड़ी सी डर्ट ले लेते हैं, आपको पता है ना वो किस लिए चाहिए होगी। आप बड़े इंटेलिजेंट हो, अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर देना। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ उस विलेज पे, अब उस म्यूटेंट आयरन गोलम को ढूंढते हैं, कहीं वो मुझे पहचान तो नहीं लेगा ना। अरे भाग तो नहीं गया ना ये, अरे यहाँ पे सीक्रेट रास्ता है, पता नहीं यार। ओह क्या था भाई, अभी कुछ जादू हुआ मेरे सामने। ओह वो रहा गाइस, ये देखो गाइस वो रहा म्यूटेंट आयरन गोलम, अभी इसको मेरे पीछे भगाना है। अभी मैं इसको कैसे पीछे भगाऊं, मुझे लगता है कि इसको पीछे से टपली मारनी पड़ेगी। ओके यहाँ से दूर रह के, अरे यार टपली भी नहीं मार पा रहा हूँ इसको। अरे भाई अब मैं इसको कैसे टपली, एक काम करता हूँ गाइस ये तो मुझे पहचान ही नहीं रहा है, तो इसके बगल में ही खड़ा हो जाता हूँ। अरे यार ये भाग गया। गाइस मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, ये बगल से भाग रहा है। अरे गाइस इससे पंगा लेना तो मुश्किल हो जाएगा, लगता है मुझे एक बो एंड एरो चाहिए होगा, क्योंकि इसको मैं मारूंगा ये मेरे को तुरंत ही उड़ा देता है। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे बो एंड एरो का जुगाड़ करके आता हूँ। अरे गाइस यहाँ पे पास में मेरे ससुर जी का घर है, आप सबको तो पता ही होगा। और हाँ गाइस आई होप कि यहाँ पे एलेक्स ब्राइन ना हो, नहीं तो पंगा हो जाएगा। चलो गाइस जाके देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। अरे ये तो घर खाली है, लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। अरे यहाँ पे एक चेस्ट भी है और चेस्ट के अंदर ओ हमें एक बो मिल गया गाइस, और ये बो के साथ कुछ एरोस भी है। तो चलो हम ये एरो भी ले लेते हैं। और ये देखो गाइस 2 गोल्डन एप्पल और 2 गोल्डन कैरेट है। तो चलो गाइस हमारा काम बन गया, ये अभी जल्दी से इन्हें खाता हूँ और यहाँ से एकदम फुल पावर ऑन करके मैं उस म्यूटेंट आयरन गोलम को मारने वाला हूँ। चलो चलो चलो, आई होप कि वो मेरा नाम सुन के भाग ना जाए। गाइस जल्दी से जाना पड़ेगा, अरे मेरे गोल्डन एप्पल तो खत्म हो रहे हैं। कोई बात नहीं मैं वापस से खा लूंगा, कहाँ गया ये नुबड़ा। चलो 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 एक और खा लेते हैं। ओके कहाँ गया वो, अरे भाई अच्छा ये रहा। तो चलो गाइस यहाँ पे हाइट बना लेते हैं, 5-6 की हाइट बनाइए गाइस, गिन लेंगे, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो एक और लगाई देता हूँ, शायद पंगा हो जाए। तो चलो यहाँ से मैं इसको बो को मारता हूँ, और ये बो को मार दिया और वो आएगा। देखो गाइस मैं तलवार लेके रेडी हूँ, ये मेरे को मार नहीं पाएगा। मार बेटे मार, हा? मेरे को मुसीबत में डाल दिया तूने, ये ले। अरे मैं भी नहीं मार पा रहा हूँ उसको, लगता है एक और तोड़ना पड़ेगा। ओह कहीं वो मेरे को मारना, ओके अब मैं मार पा रहा हूँ। चलो 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 इसको खत्म करते हैं गाइस। अरे इसको मारना तो बहुत आसान लग रहा है, कैसा लगा मजाक। इतनी लंबी स्वॉर्ड से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो चलो इसको खत्म करते हैं गाइस। और हाँ और वो गजोदर भैया के, और ये देखो ओह ये देखो ये पूरा लुढ़क गया। और गाइस इसने मेरे को आयरन भी दिए। और हाँ गाइस मैं बता रहा था कि वो गजोदर चाचा के रिश्तेदार था ना, वो लंबे वाला रिश्तेदार, उसको हमें डायमंड भी भेजने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं घर चलता हूँ, और रात होते ही उन ज़ॉम्बीज को पता चल जाएगा कि मैंने इस म्यूटेंट आयरन गोलम को मार दिया है, तो वो मम्मी को छोड़ भी देंगे और सुबह तक मम्मी घर भी आ जाएंगी। तो चलो गाइस मैं चलता हूँ घर पे। अरे गाइस मैंने तो अपना काम कर दिया है उस म्यूटेंट आयरन गोलम को मारकर, लेकिन अभी तक मम्मी घर पे नहीं आई है, और पापा तो देखो अभी सो गए हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको कुछ याद ही नहीं है। वो उठेंगे तो वापस पूछेंगे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है, उसका पूरा बर्थडे निकल गया फिर भी वो दिखाई नहीं दी। अरे ये कौन आ रहा है, अरे मम्मी आ गई, अरे मम्मी तुम आ गई। हाँ और तूने ये क्या पागलपन किया था, मैं तेरी वजह से ही फंसी थी। अरे मम्मी मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में कर दिया था। नहीं 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 मैं अभी तेरी खबर लूंगी, मेरा पूरा बर्थडे खराब हो गया, तेरे पापा को बताती हूँ, वो तुझे 1 महीने के लिए बाथरूम में बंद कर देंगे। अरे मम्मी प्लीज प्लीज ऐसा मत करो गाइस, प्लीज आप मम्मी को बोलो कि ऐसा ना करे। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। रुक अभी कहाँ भाग रहा है।